अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खरीत से होंगे। यार मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं कोई मौलवी हूँ, ना मैं कोई आलम हूँ, ना कुछ है। सिंपल सा बंदा हूँ, ठीक है ना। मैं इस तरह कभी लाइव आया हूँ। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, सिक्योरिटी फील्ड से हूँ, ठीक है। मैं यार कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, नोटिस कर रहा था यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे। तो एक चीज़ बहुत वायरल हो रही है, इंडिया वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो जो उन्होंने मजाक उड़ाया है, हम लोगों ने मजाक बनाया वो उनके, एक हिंदू पंडित का, कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो, कि गौमूत्र में शिफा है, ऐसा कुछ उन लोगों का वीडियो बहुत वायरल हुआ है। गौमूत्र में है, कोरोना का इलाज है, ये है, वो है, फलाना ढिमका है। हम पाकिस्तानी पब्लिक ने बहुत मजाक उड़ाया, कसम से मुझ समेत बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या हम लोगों ने मजाक उड़ाया जो हमारे अपने लोग कर रहे हैं, हमारे अपने साथ के कर रहे हैं, हमारे अपने मुसलमान कर रहे हैं, और वो सिर्फ गौमूत्र नहीं, इंसानों का, जानवरों का, न जाने किस चीज़ किस किस चीज़ का, गंदे गंदे तालाब से वो लोग इलाज ढूंढ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, वो पाकिस्तानी है, वो मुस्लिम है, और हो क्या रहा है? ये सारा कुछ हो रहा है सेवन शरीफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे। बुज़ुर्ग गलत नहीं होते, ना उनकी ये तालीमात हैं, तालीमात सारी हमारी हैं, ठीक है। यार हम लोग न जाने कहाँ पे हैं, क्यों गौर व फिक्र नहीं करते, अपने अपने गिरेबान में नहीं झांकते हम लोग। हम लोग झांकते हैं तो बस अगले में, इंडिया वाले उनका मजाक उड़ाए, ये है, वो है, फलाह ढिमकाए। यार हम लोग कहाँ पे हैं, अपने भी गिरेबान में झांको यार। ये मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, ज़्यादा नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यार मैं सिंपल सी वीडियो बना रहा हूँ, अभी ड्यूटी से हूँ, कपड़े चेंज किए हैं, बस मुझे लड़के ने दिखाई तो मुझे लगा यार इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए। वो एक हिंदू था, ठीक है। तो एक चीज़ ये, मैंने बहुत पहले वाघा बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा था, तो उस टाइम ही मेरी एक हिंदू से बहस हुई थी, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज वाकई यार मैं उसके सामने ना लाजवाब हो गया, मेरे पास में कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बोला यार अगर तुम लोगों को ये लगता है तो तुम ये वीडियो देख लो, तुम्हारे लोग भी इसी से इलाज ढूंढते हैं। यार कसम से आई एम शॉक यार, आई एम शॉक। और मुझे बस कुछ भी नहीं कहना है, मुझे बस पता नहीं मेरी वीडियो सही बन रही है या नहीं बन रही, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। लेकिन ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग खुद ही चेक कर लें, ये मैं आप वीडियो देख लें, आप फैसला आप करें, जो कुछ भी आपने कहना है आपने करना है, आप कमेंट करें, ठीक है। अगर मज़ीद कमेंट की ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफ़िज़। गंदा दिखने में आ रहा है, बहुत बदबूदार पानी है, आप इसमें नहा रहे हैं। आपके लिए बदबूदार होगा लेकिन इसमें शफा है। भाई जो आप जमीन से आप ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या मिल रहा है जमीन से? सुच्चे मोती ढूंढ रहे हैं। क्या इससे मोती से होता है? मोती से शिफा मिलती है, और जिनके घर औलाद नहीं होती वो खाएं तो उनके घर औलाद। जो लोग नीचे से आ रहे हैं, गुजर रहे हैं दरख्त के नीचे से, क्या होता है इसे? इससे यार किसी की अपनी मुराद पूरी होती है, जो दिल की तमन्ना होती है। अभी हमने देखा है कि आपने यहाँ चक्कर लगाया है, चक्कर लगाने से क्या होता है? चक्कर लगाने से वैसे यानी कि मन्नतें, मुराद पूरी होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध के शहर सेवन शरीफ में, जहाँ पर हजरत कलंदर लाल शहबाज की 3 रोजा और मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम, ये गंदे पानी के जोड़ में ना आ रहे हैं, बदबूदार पानी है हमने देखा है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ ना आने से हमें शिफा मिलती है और अपने जिस्म को मट्टी भी मलते हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। गंदा दिखने में आ रहा है, बहुत बदबूदार पानी है, आप इसमें नहा रहे हैं, क्या होता है इसमें नहाने में? ये आपके लिए बदबूदार होगा लेकिन हमें ये पता है कि मुर्शिद लाल कलंदर किबरिया बादशाह ने इधर गुसल किया था और इसमें शफा है। आपको तो बदबू आ रही है लेकिन इसमें बहुत खूबसूरत जो खुशबू आ रही है हमें, कि इससे जो भी नहाता है उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, वो सेहतयाब हो जाता है
उसको शफा मिल जाती है। सिर्फ यहाँ से नहा के जाते हैं या सिर्फ पानी पीने के लिए भी भर के जाते हैं? जिसका जी चाहे इसको पी ले, जिसका जी चाहे, वो अपने जहन में होती है ना एक बात। लेकिन मैंने तो उसको अभी पिया भी है, आपके सामने भी पी सकता हूँ। मुझे पता है मेरा मेडिकल क्लियर हो गया, मेरी बीमारियाँ दूर हो गई। जो लोग आप देख रहे हैं नहा भी रहे हैं, पानी भर के ले भी जा रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ से शिफा मिलती है। ये जो बोतल है कोका कोला बोतल नहीं, बल्कि ये पानी का बोतल है जो यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये पानी कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या होता है इसे? ये पता पंजाब में ले जाएंगे, नहाएंगे इससे, हम दुख तकलीफ दूर होएगा। ये सरकार की साबुन है, इससे सब लोग नहा के जा रहे हैं। ये तो हमें बहुत बदबूदार पानी लग रहा है, गंदा पानी लग रहा है। ये अच्छा है पानी हमको। मेरा बच्चा बीमार था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, फिर मैं मुझे पता लगा सेवन के अंदर भी ऐसे ऐसे होता है। फिर हम यहाँ आए, मैंने अपने बच्चे को मिट्टी भी लगाई, नहलाया भी है, और इससे माशाल्लाह उसके गुर्दे भी सही हो गए, और हमें यकीन है पक्का। जो बीमारी होती है वो टर जाती है, जो हर मुसीबत होती है दूर हो जाती है, इसके लिए नहाते हैं आकर। इस पानी से तो बदबू आ रही है, बहुत गंदा पानी आ रहा है। जितना भी पानी गंदा है, जो सफाई इसके में है, जितना भी पानी गंदा है इतनी सफाई इसके मिलती रहती है। पी लगा दी है, क्या होता है इसे? ये शफा है, तंदुरुस्ती है, बीमारी कोई नहीं आएगी, जो हुई भी तो खत्म हो जाएगी। ये तो हमें जोहर बहुत बदबूदार लग रहा है, गंदा पानी। नहीं सर, ये साढ़े वैसे गुलाब दादा के आबे जम जमे। अच्छा। हाँ, सड़ा मान है। लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या मिल रहा है? सरकार ने इधर गुसल किया था और नहा के इधर जुल्फे छांडियां, और इसमें मोती जमीन में पैदा हो गया। अच्छा। और जिसके घर औलाद नहीं होती वो मोती खाता है ये चश्मे के पानी के साथ, अल्लाह पाक उसको औलाद से नवा देता। भाई जो आप जमीन से आप ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या मिल रहा है जमीन से? सच्चे मोती ढूंढ रहे हैं। क्या इससे मोती से होता है? मोती से शिफा मिलती है, और जिनके घर औलाद नहीं होती वो खाए तो उनके घर औलाद। पहले कभी आपको मोती मिली हो उनको? फर्स्ट टाइम आया हूँ, सुना है मैंने। अच्छा। हाँ जी। कहाँ से आप आए? फैसलाबाद से। जमीन से ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको? लाल के मोती। इससे क्या होता है? इससे मन्नत पूरी होती है। कौन सी मन्नत आप लेके आए हैं जो पूरी होगी? बच्ची हो, बच्चे हो, जो भी हो पूरी होती है। क्या होता है फिर इस मोती मिलने से? शफावा मिलती है, औलाद मिलती है, बीमारियाँ दूर होती है। मोती मिलती है तो क्या होता है? इससे औलाद होती है जी। मैंने भी यहाँ से लेके गया था तो मेरा बेटा भी यहाँ के मोती खाने से मन्नत है। क्या आपको औलाद नहीं हो रहा था, आपने यहाँ से मोती लेके गए वो खाए तो आपको बेटा पैदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। सूखी हुई दरख्त को कुरानी आयत की चादरें चढ़ी हुई हैं, और लोग यहाँ नीचे से गुजरते हैं और दुआएं मांगते हैं, कहते हैं कि हमारी मुराद पूरी होती है। अच्छा, अभी आपने देखा है कि आप यहाँ से नीचे से गुजर के हैं, क्या होता है इसे गुजरने से? बहुत सुकून मिलता है, मुराद पूरी होती है, हम तो मानने वाले हैं, आते हैं 7 साल आते हैं। दरख्त नहीं है ना, ये मसवाक है, दरख्त नहीं है ये। अगर दरख्त होता तो हम लोग यहाँ नहीं आते। इसका है फिर कोई, इसका कोई ना कोई ऐसा मानी है जो हमारे दिल को छू जाता है। ये बात आपको किसने बताया? ये हमारे जो है बड़ों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे माए बाप और दादा परदादा यहाँ सब आते हैं। अभी ये जो लोग नीचे से आ रहे हैं, गुजर रहे हैं दरख्त के नीचे से, क्या होता है इसे? इसे यार किसी की अपनी मुराद पूरी होती है, जो दिल की तमन्ना होती है। ये पीऊ दादे से बहुत अरसे से आ रही है, ये आजकल की नहीं है। अभी हमने देखा है कि आपने यहाँ चक्कर लगाया है, चक्कर लगाने से क्या होता है? चक्कर लगाने से वैसे यानी कि मन्नत मुराद पूरी होती है। कितने चक्कर आपने लगाए? 7 चक्कर लगाए हमने। आपको मालूम है चक्कर लगाना, तवाफ करना सिर्फ काबतुल्लाह को तवाफ कहा जाता है, आपने यहाँ तवाफ हमने देखा है आपको तवाफ करते हुए? नहीं, हमको मालूम नहीं है, बाकी हमने चक्कर लगाए मानते हैं। हमने देखा है आप यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लोग भी यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, इस चक्कर लगाने से क्या होता है? इधर सरकार आते थे तो कहते तख्त नशीन है। अच्छा। तो इधर आके हम भी चक्कर लगाते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और अल्लाह को याद करके तो निकल जाते हैं। कितने चक्कर आपने लगाए हैं? 7। अच्छा। जी जी।
तो मतलब आपकी जो भी मुरादें होगी यहाँ चक्कर लगाने से पूरी होगी इंशाल्लाह। काबतुल्लाह के सिवा किसी और चीज़ को तवाफ़ नहीं किया जाता, लेकिन लोग यहाँ तवाफ़ कर रहे हैं, ये जायज़ है? जायज़ तो नहीं, चलो लोगों का दिल में आया तो जो वहाँ नहीं जा सकता इधर कर ले। आप ये लोग यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, क्या होता है चक्कर लगाने से? माशाल्लाह पहली बार ही आया हूँ, ठीक है, ये देख कर मैंने भी ये चक्कर लगा दिए। सर तवाफ़ तो हमने काबतुल्लाह का तवाफ़ करना है, वो एक अल्लाह के जरिए है कि हज हज के दौरान जो सुनता पूरी होती फरज फरैद चैन वो कब तवाफ अलहदा है वो है कि लेकिन जो चक्कर करना है ये सारी एक अकीदत है। यहाँ आने वाले अकीदतमंद लोगों की बातें सुनी, उनका अकीदा आपने देखा, मजहब के नाम पर किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने